हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको CRDi इंजन टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा CRDi इंजन टेक्नोलॉजी क्या होता है, कहां पे लगा होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको CRDi टेक्नोलॉजी क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ। इसके बाद मैं आपको CRDi टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करता है उसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, CRDi का फुल फॉर्म होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। यहाँ पे फ्रेंड्स एक सिंगल कॉमन लाइन होता है जिसे हम लोग कॉमन रेल कहते हैं, और उस कॉमन रेल के साथ इंजन का जितना भी फ्यूल इंजेक्टर है, चाहे दो हो, चाहे चार हो, चाहे छः हो, ये सारे फ्यूल इंजेक्टर एक कॉमन लाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं, और उस कॉमन लाइन या फिर कॉमन रेल से फ्यूल का सप्लाई सिलेंडर में होता है। तो ये होगी आपका CRDi कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। वर्किंग के बारे में आपको डिटेल में जब बताऊंगा तो ये सारा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। अब फ्रेंड, जो ऑर्डिनरी डीजल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है, वहाँ पे क्या होता है कि जितने बार भी फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल सिलेंडर में जाता है, उतने बार सिस्टम को प्रेशर को बिल्डअप करना पड़ता है। लेकिन CRDi टेक्नोलॉजी में फ़ायदा ये होता है कि इंजेक्शन का सीक्वेंस कोई भी हो, कोई भी मतलब नहीं रहता वहाँ पे रेगुलरली और परमानेंट बेसिस पे जो इंजेक्शन का प्रेशर है वो उस कॉमन रेल में बना हुआ होता है। जितनी बार फ्यूल इंजेक्टर को फ्यूल सिलेंडर में भेजना होता है, उतनी बार उसे प्रेशर डेवलप करने का जरूरत नहीं होता, ये परमानेंटली उस कॉमन रेल में अवेलेबल होता है। क्या है अब इससे फ्रेंड्स, होता ये है कि जो इंजन का इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग है वो इंजन के लोड और इंजन के स्पीड के हिसाब से इस फ्यूल इंजेक्शन के प्रेशर को रेगुलेट करते रहता है। वहीं दूसरी तरफ जो इंजन का ECU है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, उससे कैम और क्रैंकशाफ्ट सेंसर के द्वारा जो भी डेटा मिलता है, यानी उस डेटा में ये रहता है कि इंजन का स्पीड क्या है, इंजन पे लोड क्या है, वो उस हिसाब से इस इंजेक्शन प्रेशर को मॉडिफाई करते रहता है। तो इससे क्या होता है कि जैसा भी लोड हो, जैसा भी स्पीड हो, उसी हिसाब से प्रेशर यानी कि फ्यूल का प्रेशर हमारे पास कॉमन रेल में अवेलेबल रहता है। अगर मैं आपको इसे और आसान लफ्जों में समझाऊँ तो मैं आपको बताऊँगा कि CRDi सिस्टम में क्या होता है कि जो कंप्रेशन होता है और दूसरी तरफ जो इंजेक्शन होता है, वो एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं होता है। इसके मतलब ये हुआ कि जैसा रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से फ्यूल सिलेंडर के अंदर में जाता है, जिससे क्या होता है, पहली बात तो फ्यूल सेव हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ जो एमिशन है वो भी लो हो जाता है, जो कि ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी में नहीं होता है। और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो CRDi टेक्नोलॉजी होता है वो सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन में ही यूज़ होता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको CRDi सिस्टम के वर्किंग के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, कॉमन रेल सिस्टम में ये होता है कि यहाँ पे एक हाई प्रेशर पंप होता है जो कि हाई प्रेशर फ्यूल को रिजर्व करके रखता है, यानी कि स्टोर करके रखता है। और ये जो हाई प्रेशर फ्यूल स्टोर्ड है हाई प्रेशर पंप में, उसका प्रेशर 2000 बार से भी ज़्यादा होता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टर्म कॉमन रेल यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉमन लाइन है, एक कॉमन रेल है, और जितना भी फ्यूल, जितने भी फ्यूल इंजेक्टर लगे हुए हैं, उनको सप्लाई हो रहा है, वो इस कॉमन रेल के द्वारा ही हो रहा है। अब फ्रेंड्स, जो फ्यूल इंजेक्टर होता है वो इंजन के ECU यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। अब जैसे ही सिग्नल मिलता है ECU को कि इंजन का लोड क्या है या इंजन का स्पीड क्या है, वो इस सिग्नल को इस फ्यूल इंजेक्टर में भेज देता है, जिससे क्या होता है कि ये जो फ्यूल इंजेक्टर है वो इलेक्ट्रिकली एक्टिवेट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि इस फ्यूल इंजेक्टर में जो वैल्व है, जिसमें नोजल और प्लंजर है, वो मैकेनिकली या फिर हाइड्रोलिकली ओपन हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि वहाँ से फिर जो फ्यूल है वो सिलेंडर में एज डिज़ायर्ड प्रेशर पे स्प्रे होता है। तो इस तरह से ये सिस्टम सिंपल काम करता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे होता ये है कि जो फ्यूल प्रेशर एनर्जी है वो तो रिमोटली स्टोर्ड होता है, और जो फ्यूल इंजेक्टर है वो इलेक्ट्रिकली एक्चुएटेड होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो फ्यूल इंजेक्शन का प्रेशर है फ्यूल इंजेक्टर के स्टार्ट में और फ्यूल इंजेक्टर के एंड में, वो
बहुत हद तक सेम रहता है जितना कि कॉमन रेल में प्रेशर अवेलेबल होता है, जिससे क्या होता है कि एक स्क्वायर इंजेक्शन सिस्टम डेवलप होता है। अब इस स्क्वायर इंजेक्शन सिस्टम से फ़ायदा ये होता है कि पहली बात तो जो प्रेशर का ज़रूरत होता है उसी प्रेशर पे फ्यूल ऑलमोस्ट अवेलेबल रहता है इंजेक्शन के लिए। दूसरी बात, जो फ्यूल जितना डिज़ायर्ड होता है उतना ही प्रेशर पे सिलेंडर के अंदर में जाता है, जिससे क्या होता है कि फ्यूल का जो एमिशन होता है यानी कि जो बर्न होता है वो प्रॉपरली होता है। अनबर्न्ड फ्यूल जो है वो डेवलप नहीं होते हैं, जिससे क्या होता है कि एट द एंड जो हमारा फ्यूल का इकोनॉमी है वो भी इस CRDi सिस्टम की वजह से बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको CRDi टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस के बारे में बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे जिस इंजन में CRDi टेक्नोलॉजी लगा होता है वहाँ पे वो इंजन 25% ज़्यादा टॉर्क और पावर को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी के वजह से सुपीरियर पिकअप, कम लेवल ऑफ नॉइज़ और वाइब्रेशन, ज़्यादा माइलेज, कम एमिशन, कम फ्यूल कंजम्पशन और इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही जो CRDi टेक्नोलॉजी है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि जिस इंजन में CRDi टेक्नोलॉजी को लगाया जाता है उसका कॉस्ट नॉर्मल इंजन के मुकाबले ज़्यादा होता है। इसके अलावा इस इंजन का यानी इस टेक्नोलॉजी का जो मेंटेनेंस है और जो स्पेयर पार्ट्स का खर्च है वो भी नॉर्मल डीजल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, ये दो तीन इसके डिसएडवांटेजेस थे। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप CRDi टेक्नोलॉजी के बेसिक फंक्शन के बारे समझ गए होंगे, ये कहाँ पे लगा होता है, क्या काम करता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आप इसके बारे में जरूर समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।